हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। और आज हम यूपी टेट 2019 सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो आने वाले आगामी यूपी टेट परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। और आज हम यूपी टेट 2019 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम बाल विकास शिक्षण शास्त्र के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पिछले साल आगामी जो पिछले साल की हुई यूपी टेट की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन्हीं का एक सेट पेपर कह सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। तो आइए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है। आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप कोई काम कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिस स्तर पर काम है वहीं पे रुका हुआ है, तो हम उसे क्या कहते हैं। देखिए, सीखने का वक्र हो नहीं सकता। स्मृति मतलब याददाश्त की कोई बात है नहीं, और धारणा मतलब कॉन्सेप्ट। और जब हम कुछ उन्नत कर ही नहीं रहे हैं तो किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। इससे सीधा सीधा प्रूफ होता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सीखने का पठार। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दो की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। देखिए, गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं। नॉर्मली 46 अगर मैन वुमेन दोनों को मिला दिया जाए तो केवल एक की पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुद्धि लभ्यता सूत्र कौन सा होता है। आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मानसिक MA × CA × 100 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको पता होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक BF Skinner जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कोहलर विकास के सिद्धांत से संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, कोहलर किससे संबंधित है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो है अधिगम के गेस्टल्टवादी सिद्धांत से जुड़े हुए थे। देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे कैटल महोदय। कैटल महोदय ने बुद्धि को तरल अनुपात में, तरल क्रिस्टली में ठोस और तरल में बांटा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। पठार, देखिए अधिगम किसके कारण से रुक जाती है। देखिए, अगर आपके पास प्रेरणा की सीमा हो तो नहीं रुकेगी, शारीरिक सीमा भी अच्छी हो तो भी नहीं रुकेगी, ज्ञान की सीमा। लेकिन विद्यालय का असहयोग अगर हो जाएगा तो आपका जो अधिगम का जो क्षेत्र है वो संकुचित मतलब कि छोटा हो जाएगा। अगर हम स्कूल में जा रहे हैं वहां पे हमें पढ़ाई ना जाए तो हमारा जो ज्ञान का भंडार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलना प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, देखिए मानसिक उद्वेलना जो है सृजनात्मक जो समस्याएं होती हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम्स के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए जो गेट्स महोदय ने इस बात को कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। पहला क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से
किससे संबंधित है? गोलमैन, देखिए गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि होती है और एक संवेगात्मक बुद्धि होती है, जहां पर देखिए बुद्धि में जो संवेगात्मक बुद्धि का 80% भाग होता है, इसलिए गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया हमें। आगे बढ़ते हैं, इस स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण, देखिए ये सबसे पहला परीक्षण था और ये जो परीक्षण है ये बुद्धि पर किया गया था। देखिए बिने महोदय ने सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक टेस्ट बनाया था, ठीक है। तो ये बुद्धि संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। देखिए आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवसरों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए अधिगम का सिद्धांत पढ़ने से समान अवसरों का सिद्धांत भी वही है, लेकिन जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये व्यक्तित्व को बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें भिन्न है। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंतर्मुखी सिद्धांत एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो चुंग महोदय ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है? संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर, देखिए आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा हो तो नेट पे सर्च करके आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर बातें बताई गई है कि पहले कौन सा कंसेप्ट तैयार होता है, तो पहले आप ज्ञान अनुभव, ज्ञान आता है, फिर बोध होता है, फिर आप उसका अनुप्रयोग या प्रयोग करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं। तो न्यूनतम मतलब कि पहली स्टेज क्या है? ज्ञान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? सामाजिक कारक क्या हो सकता है बच्चों को प्रभावित करने के लिए? सामाजिक परिवेश तत्व, क्योंकि समाज में ही बच्चा का विकास होगा, अगर समाज उसके साथ अच्छे से नहीं पेश आएगा तो बच्चा समाज के प्रति कुछ ना कुछ प्रभावित होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति है जो साइकिल चलाना तो जानता है, लेकिन अब वो मोटरसाइकिल चला रहा है, मतलब कि अपने पिछले ज्ञान को वो इस ज्ञान में क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण, क्योंकि जिस तरह से साइकिल चलाई जाती है कुछ वैसे ही मोटरसाइकिल भी चलाई जाती है, मतलब कि पिछले ज्ञान का वह इस ज्ञान में प्रयोग कर रहा है, इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास, देखिए मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, देखिए शरीर से कर रहे हैं, शारीरिक विकास क्या है? तो देखिए अनियमित विकास का नियम, अभी इतना तो है नहीं कि आपके शरीर में अनियमित विकास हो जाए, हाथ बहुत बड़ा हो जाए, और कल्पना और संवेगात्मक विकास तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक मानसिक विकास है। तो ऑप्शन नंबर सी दूरगामी विकास का नियम होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूल प्रत्यावर्ती का नियम, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का, और समान प्रतिमान का। तो यहाँ पर देखिए समान प्रतिमान का मतलब होता है, जब आप विकास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए समान प्रतिमान का मतलब होता है कि चूहे का बच्चा चूहे जैसा ही होगा, ठीक है। विकास परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है, विकास निरंतर मतलब कि एक स्टेज के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए अनुकूलित प्रत्यावर्ती का सिद्धांत कहीं नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन
योग्यताएं प्रकट होती हैं, या किसने कहा है? तो ये कहा है आपका गेलेस ने, गेलेस महोदय ने इस बात को कही है। देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में मैकडूगल ने बांटा है, आप पढ़ेंगे ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है, ये कहा है आपके रॉयर ने, रॉयल ने इस बात को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में सम्मिलित नहीं है? देखिए सीखने के तत्परता अभ्यास ये भी है, प्रभाव का नियम भी है, बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है, बहु अनुक्रिया का नियम नहीं। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो क्या है आपका, गलत है। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस एम जलोटना ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? देखिए अशाब्दिक परीक्षण, जहां पर हम चित्रों के माध्यम से चित्र करते हैं। देखिए अल्फा आर्मी अल्फा जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने इसका प्रतिपादन किया था। चित्रात्मक होगा नहीं तो साधारण मानसिक योग्यता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने बिल्कुल सही बात। सीखने का क्रिया प्रसूत, पीछे भी ऊपर भी आया था, बीएफ स्किनर का है। सीखने का क्लासिकल, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, इन्होंने नहीं दिया था, हल ने नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर, देखिए क्रैसर महोदय ने की है। बुद्धि के द्वि कारक, देखिए स्पीयरमैन ने दो कारक, स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर के बारे में बात किया है ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अब आपके पास बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गाल्टन को ठीक है, गाल्टन महोदय को कहा जाता है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? ये क्या है, क्रो और क्रोनी। विद्रोह की भावना, देखिए विद्रोह की भावना आती है किशोरों में, जब वह अपने माता पिता से विद्रोह करने लगते हैं, मतलब कि वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं, उनकी ज्यादा सुनते हैं, यहाँ पर विद्रोह माता पिता से हो जाता है और यह होता है मध्य किशोरावस्था में। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, मध्य किशोरावस्था। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यूपी टेट के लिए ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा ठीक है। थैंक यू।